जैन साथियों, चलिए आज फिजिक्स के रिवर्स ईयर्स के क्वेश्चन को हल करते हैं। यानी आपका 64वें बीपीएससी से लेकर 69वें बीपीएससी तक में जितने भी आपका फिजिक्स से प्रश्न पूछे गए उन प्रश्नों को हल करते हैं। और ये जो आपका क्लास है, ये आपका बीपीएससी के आने वाले सभी एग्जामों के लिए महत्वपूर्ण है, खास करके आपका 17वें बीपीएससी के लिए आपका महत्वपूर्ण है। तो जितने भी अभ्यर्थी है जो 17वें बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, इस क्लास को आप जरूर देखिएगा। और जितने भी आपका प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है उसे आप जरूर सॉल्व कीजिएगा। तो चलिए हम आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन आपका फर्स्ट है, क्वेश्चन आपका है कि अवतल दर्पण द्वारा बनाया गया प्रतिबिंब वास्तविक, उल्टा और वस्तु के आकार के बराबर होता है, वस्तु की स्थिति कैसी होना चाहिए। अब देखिए, ये है आपका अवतल दर्पण, ठीक है। इसमें कहाँ पर रखेंगे, इससे वस्तु के बराबर ही प्रतिबिंब बने और उल्टा बने, तो एक ही बार पॉसिबल है। कब है, यह आपका वक्ता केंद्र पर पॉसिबल है। जब किसी वस्तु को हम वक्ता केंद्र पर रखते हैं तब इसका इमेज आपका वक्ता केंद्र पर ही बनते हैं, ठीक है। और ये आपका वस्तु के उल्टा बनते हैं, ध्यान रखिएगा, वस्तु के उल्टा बनते हैं। तो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, वक्ता केंद्र पर, वक्ता केंद्र पर। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न आपका है, क्वेश्चन आपका है कि फोटो इलेक्ट्रिक सेल एक ऐसा उपकरण है जो कि, अब ये क्वेश्चन आपका 69वीं बीपीएससी में पूछा गया है। तो अगर फोटो इलेक्ट्रिक सेल क्या करता है, ये आपका करता है प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, ऑप्शन नंबर सी होगा, प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, आपका ऑप्शन सी होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न आपका है कि निम्नलिखित में से कौन सा तरल बिजली का कुचालक है। अब देखिए, ये जो आपका प्रश्न है ये आपका सेम टू सेम, आपको याद होगा हम एक आपको विद्युत धारा का एनसीईआरटी का एक आपका चैप्टर करवाए थे क्लास टेंथ का, उसी एनसीईआरटी का आपका ये पॉइंट सेम टू सेम पॉइंट है। वहाँ पर एग्जांपल दिया है कि कौन कौन सा बिजली का सुचालक है, जिसमें आपका नींबू का रस है, संतरे का रस है, नमकीन पानी है, ये सब क्या है, ये सभी आपका यानी बिजली का सुचालक है, यानी कंडक्टर है, क्या है, कंडक्टर है। जबकि क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है कि बिजली का कुचालक है, तो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी होगा, इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं, यानी इसमें कोई भी कुचालक नहीं है, सभी का सभी सुचालक है। और ये आपका क्वेश्चन जो है, ये आपका क्लास टेंथ का एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, जो आपका इसमें जो विद्युत धारा चैप्टर है उन्हीं का आपका प्रश्न है, सेम टू सेम ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न आपका है, क्वेश्चन कर आपका देखिए, क्वेश्चन कर आपका, अलग अलग द्रव्यमान की दो वस्तुएँ चंद्रमा की सतह के पास स्वतंत्र रूप से गिरने से क्या होगा। अब देखिए, दो वस्तु है, आपका दो वस्तुओं को अलग अलग इसका वेट है, ठीक है, मान लीजिए इसको m है, तब मान लीजिए दूसरा को 2m है। अब ये दोनों को गिराएंगे तो इस पर वेट अगर mg, यहाँ जी बाय 6 होता है चंद्रमा पर, ठीक है, यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर इसका वेट लगेगा 2mg/6, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, यानी देखा जाए एक्सेलरेशन दोनों का क्या होगा, ये आपका वेट है, वेट मैंने भार, ठीक है, इसमें मास से डिवाइड करेंगे m से, इसमें भी मास से डिवाइड करेंगे 2m है यहाँ पर। तो दोनों का देखा जाए तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या है, तो g/6 है, ठीक है, यानी ये मास पर डिपेंड नहीं करता है, आपका मास क्या है। जब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी सेम हो तो आप पढ़े होंगे क्लास 11th में h हेड से नीचे आने में कितना समय लगेगा, तो आपका आता है फॉर्मूला रूट अंडर 2h/g आता है, ये आपका चंद्रमा पर है तो जी की जगह यहाँ पर g/6 लेंगे, यानी दोनों का देखा जाए तो दोनों आपका सेम समय में नीचे गिरेंगे, ठीक है। अब देखिए, और चलिए ऑप्शन पढ़ते हैं, तो करा किसी भी क्षण एक ही वेग होगा, वेग भी देख लेते हैं, दोनों को हम ड्रॉप कर रहे हैं, इनिशियल स्पीड क्या होगा, 0 होगा, तो आप पढ़े होंगे v = u + at, तो u आपका 0 है, a क्या है, a g/6 है, टाइम t है, यहाँ से देखा जाए तो g/6 × t, ये भी देखा जाए तो वेलोसिटी दोनों का किसी भी समय पर आपका g/6 × t ही होगा, यानी वेलोसिटी भी दोनों का सेम होगा, तो ऑप्शन नंबर बी होगा, किसी भी क्षण एक ही वेग होगा। और दूसरी बात क्या होगा, सेम, तो दूसरी के दोनों एक ही समय पर ये नीचे गिरेंगे, ये भी ध्यान रखिएगा, ठीक है, दोनों एक ही समय पर नीचे गिरेंगे। आगे चलिए देखते हैं, अगला आपका प्रश्न है, क्वेश्चन आपका अगला है कि एसी करंट कैसे उत्पन्न करते हैं, एसी करंट कैसे उत्पन्न करते हैं, तो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, डायनेमो द्वारा, क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, डायनेमो द्वारा। अब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपका नेक्स्ट है,
क्वेश्चन है आपका कि धारा घनत्व होता है, करेंट डेंसिटी, इसका इंग्लिश क्या होगा, इसका इंग्लिश आपका होगा करेंट डेंसिटी, ये क्या होता है। तो आप लोग क्लास 11th पढ़ेंगे करेंट डेंसिटी, ठीक है, ये आपका एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी होगा, एक सदिश राशि है, यानी करेंट डेंसिटी क्या है, तो करेंट डेंसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, ध्यान रखिएगा ये वेक्टर क्वांटिटी है, ये आपका होता है जे बराबर आई बाय क्रॉस एरिया ए होता है, ठीक है, ये होता है आपका करेंट डेंसिटी, ये वेक्टर क्वांटिटी है, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न आपका है, क्वेश्चन कर आपका 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी के एक उत्तल लेंस की सतह पर सफ़ेद घोड़े के प्रतिबिंब बनाने के लिए बड़ी संख्या में काले रंग की पट्टी बनाई जाती है, खैर वह प्रतिबिंब कैसे होगा। अब देखिए यहाँ पर कह रहा है एक घोड़ा का प्रतिबिंब बनाना है, कह रहा है कम चमक वाले घोड़ा, काली पट्टी वाला एक जेबरा, अब घोड़ा का प्रतिबिंब बना रहा है तो जेबरा तो नहीं बनेगा, काली पट्टी वाला घोड़ा, ठीक है, तो आप देखिए ए होगा चाहे सी होगा, तो क्या होगा इसका आंसर, इसका आंसर ए होगा, क्योंकि काली पट्टी जो दे रहे हैं उससे क्या होगा घोड़ा का प्रतिबिंब पूरे साफ साफ नहीं बनेगा, थोड़ा सा धुंधला टाइप का बनेगा, तो कम चमक वाला घोड़ा बनेगा, आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, क्वेश्चन कर आपका कि ध्वनि की तीक्ष्णता किसके द्वारा निर्धारित की जाती है। अब देखिए इस प्रश्न में आपका सभी बुक में आपका अलग अलग आंसर देते हैं, आपको बता दें कि ध्वनि की तीक्ष्णता जो है ये आपका आवृत्ति पर डिपेंड करता है, यानी फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करता है, ठीक है, फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करता है। और आप लोग एक चीज़ पढ़ेंगे कि भी बराबर क्या होता है एफ इंटू लैम्बडा होता है। अब यहाँ पर देखा जाए जब भी आपका कांस्टेंट हो, स्पीड कांस्टेंट हो, तो यहाँ पर जो होता है ये आपका फ्रीक्वेंसी जो होता है वेवलेंथ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाती है, इसका उल्टा भी कह सकते हैं, जो वेवलेंथ जो है ये आपका फ्रीक्वेंसी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाते हैं। तो यहाँ पर कहना है कि ठीक है आवृत्ति पर डिपेंड करता है, लेकिन आवृत्ति भी आपका ये वेवलेंथ से आपका दोनों रिलेशन बनाते हैं, यानी वेवलेंथ से भी आपका रिलेटिव कौन है ये फ्रीक्वेंसी है, इसीलिए इसका आंसर आपका घटना चक्र में ऑप्शन सी देता है, ध्वनि की तरंगदैर्ध्य, तरंगदैर्ध्य भी आपका जो है ये आपका इनवर्सली प्रोपोर्शनल तो क्या होता है फ्रीक्वेंसी होते हैं, ठीक है, तो इसका आंसर आपका ऑप्शन सी दे रहा है, लेकिन इसका आंसर होना चाहिए ऑप्शन ई ध्वनि की आवृत्ति, मेरे विचार में इसका आंसर होगा ध्वनि की आवृत्ति फ्रीक्वेंसी, ठीक है, तो डिपेंड करता है आपका, लेकिन घटना चक्र में इसका आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी दिया हुआ है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न आपका है कि निम्नलिखित में से कौन से फोटो इलेक्ट्रिक उपकरण डिजिटल अनुप्रयोगों में सबसे उपयुक्त है। देखिए डिजिटल अनुप्रयोग में ये तीनों का प्रयोग करते हैं, लेकिन कह रहा है सबसे उपयुक्त है यानी सबसे बेटर कौन है, ठीक है, सबसे बेटर कहा जाए तो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी फोटोवोल्टेइक सेल, फोटोवोल्टेइक सेल आपका सबसे आपका यानी सबसे महत्वपूर्ण हो जाते हैं, तो आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ये फोटोवोल्टेइक सेल क्या करता है तो ये ध्यान रखिएगा, ये जो है ये सूर्य प्रकाश के, सूर्य प्रकाश को क्या करते हैं फोटोवोल्टेइक सेल सूर्य प्रकाश को विद्युत ऊर्जा में बदल देते हैं, ठीक है, विद्युत ऊर्जा में बदलते हैं यानी प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में ये बदल देते हैं फोटोवोल्टेइक सेल। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न आपका है, क्वेश्चन कर आपका कि बॉल बैरिंग का उपयोग एस्थेटिक घर्षण यानी स्टैटिक फ्रिक्शन, ठीक है, स्टैटिक्स फ्रिक्शन ये सब आप क्लास 11th पढ़े होंगे यदि आप साइंस रखे होंगे, तो करा बॉल बैरिंग का उपयोग स्टैटिक फ्रिक्शन को निम्नलिखित में से किस में परिवर्तित करने के लिए किया जाता है। तो इसमें रोलिंग फ्रिक्शन यानी रोलिंग फ्रिक्शन में परिवर्तित करने के लिए इसको बॉल बैरिंग का उपयोग करते हैं, क्योंकि रोलिंग फ्रिक्शन जो होता है ये आपका स्टैटिक फ्रिक्शन से कम होता है, ठीक है, स्टैटिक फ्रिक्शन से कम होता है, यानी आपका ऑप्शन नंबर क्या होगा तो ए हो जाएगा। ये भी जो क्वेश्चन आपका है ये भी आपका एनसीईआरटी का सेम टू सेम पॉइंट है, यदि आप एनसीईआरटी पढ़ते हैं तो इस एनसीईआरटी में आपका सेम टू सेम ये पॉइंट मिल जाएंगे क्लास 11th के एनसीईआरटी में। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न आपका है, क्वेश्चन आपका फुटबॉल खेल में एक गोलकीपर फुटबॉल को गोल में पकड़ने के बाद अपने हाथों को पीछे ओर खींचता है, यह गोलकीपर का किस प्रकार का सक्षम बनाते हैं। तो आप लोग देखेंगे क्रिकेटर सबको भी जब गेंद को पकड़ते हैं तो हाथ को पीछे की ओर खींचते हैं, क्यों खींचते हैं, इससे क्या होगा कि हाथ पर बल कम लगे, बल मतलब संवेग में परिवर्तन की दर, आप पढ़ेंगे क्लास 11th में कि जो आपका बल होता है यह क्या होता है आपका ये रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम होता है,
रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम होता है फोर्स, ठीक है, यही सबका आता है F बराबर एम ए, पढ़े होंगे आप, ठीक है। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम यानी संवेग में परिवर्तन के दर को कम करना चाह रहा है, यानी फोर्स को कम करना चाह रहा है, तो आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न का है कि निम्नलिखित में से कौन सा रेडियोधर्मी तत्व द्वारा उत्सर्जित धनात्मक रूप से आवेशित कण है, यानी धनात्मक रूप से आवेशित कण कौन सा है, इसमें बता सकते हैं कैथोड किरण या बीटा किरणें या अल्फा किरणें, क्या होगा अल्फा किरणें हो जाएगा। आपको पता है अल्फा किरणें क्या होता है, एच ई प्लस टू आयंस होते हैं, एच ई प्लस टू आयंस क्या होते हैं, अल्फा किरण होते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न का है, क्वेश्चन का आपका कि केंद्रीय मुखी बल किसके लिए जिम्मेदार है। अब देखिए ये भी प्रश्न आपका एनसीईआरटी का है, साइंस यदि आपको कवर करना है बीपीएससी में आपको पूरे नंबर लाना है साइंस में, जैसे आपका 30 क्वेश्चन साइंस से रहता लगभग, तो 30 में से आपका 29 28 तक लाना है तो सिर्फ आपको एनसीईआरटी ही पढ़ना होगा, इसके अलावा कोई आपका स्रोत नहीं है। हमने एनसीईआरटी का सीरीज स्टार्ट किया था लेकिन आप लोग ने क्लास नहीं देखा तो एक चैप्टर आपको धारा करवा करके उसको छोड़ दिया, क्योंकि जब क्लास आप लोग नहीं देखेंगे तो हम क्यों पढ़ाएंगे, एनर्जी कहाँ से आएगा, मुझे इतना समय भी नहीं है मेरे पास कि हम आपको पढ़ाए फालतू का, ठीक है, इसलिए इसको बंद कर दिए, लेकिन आप लोग देखिएगा तो जरूर क्लास करवाते, ठीक है। सारा क्वेश्चन का एनसीईआरटी का है। तो केंद्रीय भूमुखी बल किसके लिए जिम्मेदार है, तो ये आपका एक वस्तु को वृत्ताकार पथ पर गतिमान बनाए रखने के लिए। अब देखिए आप देखेंगे ऐसे आप प्रयोग भी किए होंगे, एक धागा से एक आपका कोई भी चीज़ को बांध दीजिए, ठीक है, और इसको चारों साइड घुमाइए तो ऐसे ऐसे घूमते हैं, ठीक है, ऐसे ऐसे घूमते हैं, तो ये इसमें आपका एक बल लगता है, ठीक है, इसमें एक बल लगता है जिसको बोलते हैं केंद्रीय विमुखी बल, ठीक है, इसी कारण से ये सर्कुलर पाथ बना पाते हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, वस्तु के वृत्ताकार पथ पर गतिमान बनाए रखने के लिए। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न आपका है, क्वेश्चन कर आपका कि निम्नलिखित में से किस ऊर्जा परिवर्तन में घर्षण बल शामिल होता है, किस ऊर्जा परिवर्तन में घर्षण बल शामिल होता है, ये भी आपका एनसीईआरटी क्वेश्चन है। आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, गतिज ऊर्जा को ऊष्मा ऊर्जा में परिवर्तन के लिए, गतिज ऊर्जा को ऊष्मा ऊर्जा में परिवर्तन करने में इसमें घर्षण बल शामिल होता है। आगे आपका प्रश्न है, क्वेश्चन है आपका, एक बस सीधे रास्ते पर चल रही है और अचानक दाईं ओर तेजी से मोड़ लेती है तो बस में बैठे यात्री क्या होंगे। आपको पता ही होगा जब बस दाईं ओर मोड़ ले रही है तो आप किधर गिरेंगे, बाईं ओर झुकेंगे, ऑप्शन नंबर आपका सी होगा। और आप लोग बताइएगा ये न्यूटन के कौन से नियम बता रहा है, ये न्यूटन के कौन से नियम है, ये भी आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न का है, क्वेश्चन आपका, एक संगीत कार्यक्रम में ऑर्केस्ट्रा बजाने से पहले एक सितार वादक तनाव को समायोजित करने की कोशिश करता है और स्ट्रिंग को उपयुक्त रूप से बांधता है, ऐसा करके वह क्या ठीक करने का कोशिश करता है। आपको पता ही होगा जितने वाद्य यंत्र होते हैं उसके साथ फ्रीक्वेंसी को भी मिलाने का कोशिश करता है, तो आपका ऑप्शन नंबर ए होगा, अन्य वाद्य यंत्रों की आवृत्ति के साथ सितार स्ट्रिंग की आवृत्ति को मिलाने की कोशिश करता है, ठीक है, ऑप्शन आपका ए होगा। आगे बढ़ते हैं, आगे आपका क्वेश्चन है कि पदार्थ के रूप में कोई निश्चित आकार नहीं होता। अब देखिए पदार्थ के रूप में कोई निश्चित आकार नहीं होता लेकिन इसका निश्चित आयतन होता है, तो आप जानते होंगे कि जिसका आकार निश्चित नहीं होता है लेकिन आयतन निश्चित होता है उसे क्या कहते हैं, उसे हम द्रव कहते हैं, ठीक है, द्रव का आपका द्रव का आकार निश्चित नहीं होता, जिस बोतल में या जिस वस्तु में रखेंगे उसको उसी तरह से वो बन जाएगा, उसका आकार वही हो जाएगा, ठीक है, लेकिन इसका आयतन फिक्स होता है, एक लीटर है तो उसको कहीं ले जाएंगे ये एक लीटर ही रहेगा, किसी बर्तन में डाल देंगे तो वो एक लीटर ही रहेगा, यानी इसका आयतन तो निश्चित है लेकिन इसका आकार निश्चित नहीं होता, यह द्रव होता है। अब इस तीनों में देख लीजिए द्रव कौन सा है, तो मिट्टी के तेल क्या है, एक द्रव है, तो क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमा कर यहाँ पूछा था, ठीक है, यहाँ पर मिट्टी के तेल, क्रिप्टन, कार्बन स्टील, ये ऑप्शन देने का मतलब नहीं होता है, ठीक है, यहाँ पर सीधे आपको देखना था कि कौन सा द्रव है, ठीक है, इसका आंसर द्रव हो जाता है, तो मिट्टी के तेल क्या है, द्रव है, इसलिए ऑप्शन सी होगा। आगे बढ़ते हैं, आपका क्वेश्चन अगला है कि वॉशिंग मशीन का कार्यकारी सिद्धांत क्या है, वॉशिंग मशीन किस सिद्धांत पर कार्य करते हैं, वॉशिंग मशीन किस सिद्धांत पर कार्य करते हैं, ये कहता है आपका अपकेंद्रण पर, यानी आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा।
आगे बढ़ते हैं। अगला आपका प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर आपका, प्रकाश की गति निम्न में से किस माध्यम में न्यूनतम होगी? तो ध्यान रखिएगा, ये आपका होता है अपवर्तनांक म्यू बराबर होता है आपका सी बाय भी होता है, सी बाय भी होता है। अब ध्यान रखिएगा क्या क्या कर रहा है, प्रकाश की गति यहाँ से भी निकालेंगे तो क्या आएगा आपका, आएगा सी बाय म्यू आएगा। तो यानी देखिए ये म्यू क्या है, अपवर्तनांक है, तो जिसका अपवर्तनांक जितना कम होगा उसमें वेग उतना ही अधिक होगा, और जितना जिसका अपवर्तनांक अधिक होगा उसमें उसका वेग उतना ही कम होगा। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, अपवर्तनांक अधिक होगा तो वेग कम होगा। और ऑप्शन देखिए, सबसे अधिक अपवर्तनांक किसका है, तो ये आपका इसमें हो जाएगा कांच का, शीशा का, शीशा का अपवर्तनांक सबसे अधिक है, इसीलिए इसमें वेग क्या होगा, प्रकाश का वेग कम होगा। ठीक है, इस फॉर्मूला को ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न आपका है कि निम्न से कौन सा सदिश राशि नहीं है? सदिश राशि यानी वेक्टर क्वांटिटी कौन सा नहीं है, आपको बताना है कौन सा वेक्टर क्वांटिटी नहीं है। वेक्टर क्वांटिटी नहीं होगा क्या होगा, स्केलर होगा। तो देखिए वेग क्या है, वेलोसिटी वेक्टर है, बल आघूर्ण यानी टॉर्क क्या है, वेक्टर है, विस्थापन यानी डिस्प्लेसमेंट क्या है, वेक्टर है, और गति क्या है, स्पीड, ये आपका एक स्केलर क्वांटिटी है, यानी गति वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, तो आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आपका है कि यदि धरती के घूमने की गति बढ़ा दिया जाए भूमध्य रेखा पर पिंड का वजन क्या होगा? सिंपल प्रश्न है, लेकिन एक चीज़ आपको ध्यान रखना है, याद रखिएगा जी डैश बराबर जी माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू आर होता है, इसे आप ध्यान रखिएगा। अब देखिए कह रहा है कि इसका घूर्णन गति बढ़ा देंगे, ओमेगा क्या है, ओमेगा आपका एंगुलर स्पीड है, ठीक है, तो इसी को बढ़ा देगा ओमेगा, हम बढ़ा देंगे, ध्यान रखिए ओमेगा बढ़ा देंगे तो ये पूरा बढ़ जाएगा, लेकिन पूरा जी डैश क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो जी डैश यहाँ पर देखा जाए, ओमेगा बढ़ाएंगे तो जी डैश क्या होगा, कम होगा, ओमेगा बढ़ाएंगे तो जी डैश क्या होगा, कम होगा, यानी आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, घट जाएगा, पिंड का वजन घट जाएगा। बहुत अच्छा प्रश्न है, इस फॉर्मूला को ध्यान रखिएगा। आगे आपका बढ़ते हैं, आगे क्वेश्चन आपका है, क्वेश्चन अगर आपका देखिए हमारे साथ पढ़ने से एक आपको फायदा होगा कि कोई भी आपका न्यूमेरिकल क्वेश्चन आएगा, ध्यान रखिएगा कोई भी आपका न्यूमेरिकल क्वेश्चन आता है जिसे आपको पूरे अच्छे से सॉल्व करके बताएंगे, दूसरे की तरह सिर्फ आंसर टिक करके आगे नहीं बढ़ेंगे, पूरे आपको सॉल्व करके दिखाएंगे कैसे और क्यों होता है। जैसे आपको यहाँ पर पता है जी डैश जो आपका होता है जी माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू आर होता है, स्वाभाविक है कि ओमेगा बढ़ाएंगे तो ये टोटल क्या होगा, कम हो जाएगा, तो इसीलिए कहते हैं कि ओमेगा बढ़ाएंगे तो जी डैश कम हो जाएगा, यानी आपका घट जाएगा, ऑप्शन बी होगा। तो न्यूमेरिकल क्वेश्चन जितने भी आएगा इसी तरह से आपको समझाएंगे, रटने की जरूरत नहीं है। अगला आपका प्रश्न है कि गति को सर्वप्रथम किसने परिभाषित किया था, गति को सर्वप्रथम किसने परिभाषित किया था, तो ये क्या था आपका, ध्यान रखिएगा गैलीलियो ने, ऑप्शन नंबर ए होगा, गैलीलियो ने सबसे पहले यानी गति को परिभाषित किया था, ऑप्शन आपका ए होगा, न्यूटन नहीं होगा, ध्यान रखिएगा क्या होगा, गैलीलियो होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न आपका है कि अपेक्षता का सिद्धांत निम्न से किस वैज्ञानिक ने प्रस्तुत किया था, ये क्या था आपका, अल्बर्ट आइंस्टीन ने, ये आपको पता ही होगा, E बराबर MC स्क्वायर, ये किसने दिया था, अल्बर्ट आइंस्टीन ने दिया था, इसे आप ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न का है कि एक संवाहक तापक्रम परिवर्तन के कारण इसमें विभव होता है, इस घटना को क्या कहते हैं, इस घटना को हम कहते हैं थॉम्सन प्रभाव, ऑप्शन नंबर ए होगा, थॉम्सन प्रभाव। अब यहाँ पर देखिए कन्फ्यूजन नहीं होना आपको, एक आपका होता है थॉम्सन प्रभाव, दूसरा आपका है सीबेक प्रभाव, और इसमें थोड़ा सा दोनों में अंतर होता है, ठीक है, एग्जाम में भी यहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट गलती किया था, ठीक है। तो देखिए क्या कह रहा है, एक संवाहक के तापक्रम के परिवर्तन के कारण, एक संवाहक यानी एक आपका कंडक्टर है, ठीक है, इसमें तापक्रम यानी मान लीजिए यहाँ पर 10 डिग्री सी तापमान है और यहाँ पर 20 डिग्री तापमान है, अब इसमें तापमान अंतर है तो स्वाभाविक है कि आपका इसमें क्या होगा, यानी विभव उत्पन्न होगा। अब कह रहा है विभव जो उत्पन्न हुआ है इसको हम कहते हैं क्या, थॉम्सन प्रभाव, लेकिन ध्यान रखिएगा जो सीबेक प्रभाव है उसमें क्या होता है, दो अलग अलग आपका कंडक्टर होते हैं, ठीक है, दो अलग अलग कंडक्टर होते हैं और उसमें तापमान में परिवर्तन के कारण जो आपका विभव उत्पन्न होता है उसको हम बोलते हैं सीबेक प्रभाव। तो दोनों में अंतर है, ठीक है, दोनों में अंतर है, सीबेक प्रभाव में दो असमान
विद्युत कंडक्टर के और चालक के बीच तापमान के अंतर होता है, ठीक है। इसमें कंडक्टर अलग अलग होते हैं सीबेक में, ध्यान रखना, और थॉम्पसन में एक ही कंडक्टर में होते हैं, ठीक है। यही आपका अंतर है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न का है कि आवर्धक कांच में किस प्रकार का लेंस का प्रयोग करते हैं। आवर्धक, देखिए क्या कह रहा है, नाम से पढ़िए आवर्धक, इसका मतलब है क्या, इसमें प्रतिबिंब जो बनेगा ये आपका वस्तु के आकार से बड़ा बनेगा, इसी को बोलते हैं आवर्धक। तो जब प्रतिबिंब बनेगा यानी आपका इमेज जो बनेगा वो आपका क्या बनेगा, वस्तु से बड़ा बनेगा। वस्तु से बड़ा किस में बन सकता है, किस लेंस बन सकता है, तो उत्तल लेंस में बन सकता है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। थोड़ा सा सोचना था, क्वेश्चन आपको आसानी से बन जाता है। अगला क्वेश्चन आपका है कि चुंबकत्व का अनुचुंबकीय यानी समचुंबक सिद्धांत निम्न से किसके द्वारा प्रदर्शित होता है, तो ये आपका होता है प्लेटिनम के द्वारा, ऑप्शन नंबर डी होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न आपका है क्वेश्चन आपका कि निम्न कथनों पर विचार कीजिए। आपको दो कथन दिया है, दोनों कथनों को विचार करना है। करेक्ट, आपका प्रथम कथन है कि शुद्ध जल में नमक को घोलने से जल का क्वथनांक बढ़ जाता है, बिल्कुल सही है, एवं जल का हिमांक घट जाता है, बिल्कुल सही है, फर्स्ट सही है। सेकंड कह रहा है कि जल में जब मिथाइल अल्कोहल डालते हैं तो जल का क्वथनांक घट जाता है, ये भी सही है। करेक्ट, कौन सा कथन सही है, तो आपका ऑप्शन नंबर डी होगा, 1 और 2 दोनों सही है। ये भी आपका बीपीएससी का पूछा हुआ प्रश्न है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि दर्पण के सामने खड़े एक व्यक्ति को अपना प्रतिबिंब अपने से बड़ा लगता है, और इसका तात्पर्य है कि दर्पण किस प्रकार का है। तो देखिए, दर्पण कहा जाए तो आपका हो जाएगा अवतल दर्पण। अवतल दर्पण में अब यानी वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब बनता है, तो आपका ऑप्शन नंबर क्या होगा, तो ए होगा। ऑप्शन आपका क्या होगा, तो ए होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न का है क्वेश्चन का आपका कि एक पंखा गर्मी के मौसम में आराम की अनुभूति पैदा करता है, क्योंकि क्योंकि यह हमारा पसीना को तेज़ी से वाष्पित कर देते हैं। आपका ऑप्शन नंबर क्या होगा, तो डी होगा। हमारे पसीना को तेज़ी से वाष्पित कर देते हैं, आपका ऑप्शन क्या होगा, तो डी होगा, इसे आप ध्यान रखना। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न आपका है क्वेश्चन का आपका कि रात के समय खुले आकाश में तारों को टिमटिमाने को किस से समझा जा सकता है, तो ये आपका होता है प्रकाश के अपवर्तन के कारण। तारों को टिमटिमाना किस कारण से होता है, ये आपका प्रकाश के अपवर्तन के कारण से हमें दिखाई देते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न का है क्वेश्चन का आपका हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर कार्य करते हैं। देखिए, हाइड्रोजन बम है ये आपका नाभिकीय संलयन पर कार्य करेगा, ध्यान रखना, नाभिकीय संलयन पर कार्य करेगा, लेकिन यह अनियंत्रित होता है, ठीक है। बम जो है हाइड्रोजन बम या नाभिकीय संलयन पर कार्य करता है, लेकिन यह आपका अनियंत्रित नाभिकीय संलयन पर कार्य करता है। आगे बढ़ते हैं, आगे क्वेश्चन आपका कि प्रेशर कुकर में खाना जल्द पक जाता है क्यों, प्रेशर कुकर में खाना जल्द क्यों पक जाते हैं, इसका कारण क्या है, तो उच्च दाब के कारण पानी उच्च तापमान पर उबलने लगता है, ठीक है। उच्च दाब के कारण पानी उच्च तापमान पर उबलने लगता है, आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका है कि यदि रेफ्रिजरेटर के दरवाजे कुछ घंटों के लिए खोल दे तो कमरे का तापमान क्या होगा, कमरे का तापमान आपका बढ़ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न का है कि बर्फ का टुकड़ा पानी के तवालब भरे बीकर में तैर रहा है, और जब बीकर जब पूरी बर्फ पिघल जाए तब क्या होगा। देखिए, ये आपका बीकर है, इसमें पानी पूरा लबालब भरा हुआ है, ठीक है, भरा हुआ है, और इसमें आइस दिया हुआ है, ठीक है, आइस यानी बर्फ है। अब अगर यह बर्फ पिघल जाएगा तब क्या होगा, ठीक है, कुछ नहीं होगा, जितना जल का स्तर है उतना ही जल का स्तर रहेगा, यानी जल के स्तर नहीं बदलेगा, क्योंकि जो आपका बर्फ है वो पिघलकर उतनी दूरी में जो पानी है उसका स्थान घेर लेंगे, यानी उसका कोई परिवर्तन नहीं होगा, जितना पहले से पानी भरा रहेगा उतना ही अभी भी रहेगा, ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, आगे क्वेश्चन आपका है कि निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है, निम्न से कौन सा सुमेलित नहीं है, इसको आपको देखना है। ये मैं वोल्टमीटर विभवांतर बिल्कुल सही है, ये तो सही है। एमीटर विद्युत धारा को मापते हैं, ये भी सही है। पोटेंशियोमीटर विद्युत भाग वोल्ट को मापते हैं, ये भी सही है। गैलेनोमीटर विद्युत प्रतिरोध, ये आपका गलत है। गैलेनोमीटर जो है ये भी आपका मैक्रो विद्युत धारा को मापते हैं, ठीक है, मैक्रो विद्युत धारा को ही मापते हैं, कौन, गैलेनोमीटर। तो आपका ऑप्शन क्या होगा, डी हो जाएगा, जो आपका गलत है। अगला प्रश्न का है कि यदि
एक पंख, एक रबर की गेंद, एक लकड़ी की गेंद को निर्वात में एक समान ऊंचाई से स्वतंत्रपूर्वक एक साथ गिराए तो क्या होगा? सिंपल है, कोई भी देखिए ये देने का मतलब क्या हुआ, इसका एक का वजन ज़्यादा है, एक का वजन कम है, यही मतलब हुआ। देखिए ध्यान रखिएगा, मास से ये आपका डिपेंड करता ही नहीं है, मास कितना भी अधिक हो जाएगा इससे फर्क नहीं पड़ता है। ये तीनों जो है, ये तीनों आपका सेम, एक्सेलरेशन ड्यूटी ग्रेड भी जी से नीचे गिरेगा, जी से नीचे गिरेगा, और तीनों का हाइट मान लीजिए एच है, इसका समय तीनों में सेम ही लगेगा, रूट अंडर टू एच बाय जी समय लगेगा नीचे आने में, ठीक है। तो आपका तीनों समान समय में एक साथ नीचे पहुंचेंगे, ध्यान रखना ये मास पर डिपेंड नहीं करता है, वस्तु का मास कुछ भी हो, ठीक है, उसको समान ऊंचाई से गिराएंगे तो वो समान एक साथ तीनों एक साथ नीचे गिरेगा, ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न का है कि जब जब दिन में पानी पर साबुन की फिल्म दिखाई देती है तो यह सुंदर रंग दिखता है, यह किस घटना के कारण होता है? ये आपका होता है प्रकाश के व्यक्तिकरण के कारण, ऑप्शन आपका डी होगा, क्या होगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला आपका प्रश्न है, क्वेश्चन कर आपका, यहाँ देखिए क्वेश्चन कर आपका, दो समांतर प्रतिरोध वाले सर्किट का कुल प्रतिरोध 1.403 किलो ओम है, यदि एक प्रतिरोध का मान 2 किलो ओम है तो दूसरा का प्रतिरोध का मान क्या होगा? क्वेश्चन तो सिंपल है कि आपका दो रेजिस्टेंस है, इसको पैरेलल में जोड़ा गया है, इसका R इक्विवेलेंट कितना है, 1.403 है, और इसमें R1 जो है ये आपका है 2 किलो ओम है, ये भी आपका किलो ओम है और ये भी आपका किलो ओम में है, तो कर R2 क्या होगा, फॉर्मूला लगा लेंगे, बहुत सिंपल प्रश्न है, लेकिन आपको पॉइंट में दिया है इसलिए कैलकुलेटिव हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पर आपका कैलकुलेटिव हो जाता है इसी कारण से। तो देखिए आपको पहले बताए होंगे कि यदि आपका दो रेजिस्टेंस है और दोनों को किस में जोड़ा है, पैरेलल में जोड़ा है, ध्यान रखिएगा, ये आपका मान लीजिए एक सेकेंड, ये आपका R1 है और ये आपका R2 है और इसको पैरेलल में जोड़े हैं, तो इसका इक्विवेलेंट क्या होगा, तो सिंपल आपको याद करवाए थे पहले कि R इक्विवेलेंट क्या होता है, R1 इंटू R2 कर देना है यहाँ पर, अब प्लस R1 प्लस R2 कर देना है, बट R1 प्लस R2 कर देना है, यहाँ से क्या करेंगे, R इक्विवेलेंट की जगह हम क्या लेंगे, तो लेंगे 1.403 लेंगे और R1 इंटू R2, R1 की जगह 2 है, R2 की जगह R2 है, 2 प्लस R2 हो जाएगा, यहाँ आप कोना कोने गुना कीजिएगा, फिर आप R के वैल्यू निकालिएगा R2 का, आपका मान आ जाएगा लगभग 4.7 ओम आ जाएगा, ठीक है, कैलकुलेटिव है थोड़ा सा, इसको कैलकुलेट कर लेना इस इक्वेशन को, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न का है, क्वेश्चन का आपका कि गर्म करने पर अर्धचालक का प्रतिरोध क्या होता है, गर्म करने पर अर्धचालक का प्रतिरोध क्या होता है, तो घटता है, ध्यान रखिएगा, गर्म करने पर चालक का जाए आपका कंडक्टर का रेजिस्टेंस क्या होगा, तो जब हम गर्म करेंगे तो चालक का कहेगा प्रतिरोध क्या होता है, रेजिस्टेंस तो बढ़ता है, लेकिन अर्धचालक कहा जाए, सेमी कंडक्टर कहा जाए, तो अर्धचालक का ध्यान रखिएगा प्रतिरोध क्या होता है, तो घटता है गर्म करने पर, एक चीज़ ध्यान रखिएगा, यहाँ से आपके प्रश्न एग्जाम में आते हैं, तो टेम्परेचर बढ़ाने पर किसी भी कंडक्टर का प्रतिरोध बढ़ता है, लेकिन टेम्परेचर बढ़ाने पर किसी भी अर्धचालक यानी सेमी कंडक्टर का प्रतिरोध घटता है, इस बात को आप ध्यान रखिएगा, तो आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न का है, क्वेश्चन का आपका फैराडे स्थिरांक क्या है, यह कुछ नहीं एक सार्वभौमिक स्थिरांक है, ठीक है, सार्वभौमिक कॉन्स्टेंट है, तो आपका ऑप्शन क्या होगा, तो डी हो जाएगा, आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न का है, क्वेश्चन का आपका कि प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है, तो ये एक दूरी की इकाई है, प्रकाश वर्ष दूरी की इकाई है, इसे आप ध्यान रखना, ठीक है, और एक प्रकाश वर्ष कितना होता है, ये आपका होता है 9.46 × 10^15 meters, ठीक है, 9.46 × 10^15 meters होते हैं, इसे आप ध्यान रखना। आगे बढ़ते हैं, अगला आपका क्वेश्चन है, करा है, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाते हैं तो निम्न से कौन सा नहीं बदलता है, तो ये आपका फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होता है, एक मीडियम से दूसरे मीडियम जाने पर ये आपका फ्रीक्वेंसी इसका चेंज नहीं होते, तो आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न का है कि विद्युत चुंबकीय तरंग
विद्युत चुंबकीय तरंग का वेग क्या होता है? तो ध्यान रखना, विद्युत चुंबकीय तरंग का वेग वही होता है जो लाइट का स्पीड होता है, यानी ये आपका स्पीड ऑफ लाइट, सॉरी, ये आपका स्पीड ऑफ लाइट के बराबर होते हैं, ठीक है, स्पीड ऑफ लाइट के बराबर होते हैं। तो स्पीड ऑफ लाइट कितना होता है? ये आपका होता है 3×10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 3×10⁸ मीटर पर सेकेंड आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, इसे आप ध्यान रखना। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न का है, क्वेश्चन का आपका कि पहला आदमी जिसे चांद पर कदम रखा, ये था आपका नील आर्मस्ट्रांग, ऑप्शन नंबर बी होगा। नील आर्मस्ट्रांग कब रखा था? तो 1969 में, 1969 में वो चांद की सतह पर पहुंचा था। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न का है कि सबसे ज़्यादा संयनता किसका है, यानी विस्कोसिटी, सबसे ज़्यादा विस्कोसिटी किसका है? जिसमें आपका जो शहद, शहद का है, ऑप्शन आपका डी होगा। अगला प्रश्न का है कि निम्न से कौन सा ऊष्मा का सबसे अधिक कुचालक है? तो ये आपका शीशा, ऑप्शन बी होगा। इसका आंसर कहीं कहीं आपको पारा मिलेगा, ये आपका गलत है, शीशा बिल्कुल सही है। तो ऊष्मा का सबसे अधिक कुचालक क्या है? तो शीशा है, ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी मूल भौतिक राशि है? ये आपका विद्युत धारा मूल भौतिक राशि है। ध्यान रखना कि केवल 7 है जो आपका मूल भौतिक राशि है। कौन कौन है तो सुन लीजिए एक बार, लंबाई, द्रव्यमान, समय, तापमान, विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता और पदार्थ का परिमाण, ठीक है, ये आपका सभी 7 जो है ये मूल भौतिक राशि है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन का है कि अनुदैर्ध्य तरंग का उदाहरण है, अनुदैर्ध्य तरंग का उदाहरण है, यानी आपका लॉन्गिट्यूडिनल वेव का उदाहरण कौन सा है? तो ये आपका ध्वनि तरंग, साउंड वेव। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आपका है कि प्रकाश का वर्ण विक्षेपण किसमें संभव है? आपको पता है प्रिज्म के द्वारा, किसी प्रिज्म को आप लगा दीजिए, ठीक है, और इस प्रिज्म से आप श्वेत प्रकाश को गुजारिए, तो यहाँ से ये 7 विभिन्न रंगों में विभक्त हो जाते हैं, उसी को तो बोलते हैं प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आपका है कि किस तापमान पर सेल्सियस और फारेनहाइट पैमाने मेल खाता है, यानी किस तापमान पर सेल्सियस और फारेनहाइट में मान सेम होता है? तो ये तो आपको याद ही होगा कि -40 पर होता है, लेकिन चलिए आपको दिखा देते हैं कैसे आता है, ठीक है, ये नॉमिकल क्वेश्चन है, इसको आपको याद नहीं करना है, इसे आपको हल करना है, सोल्व करना है। आप एक फार्मूला ध्यान रखिए, CY100 बराबर F-32/180 होता है। आप देखिए, ये जीरो, ये जीरो कर जाएगा, 2 से कट जाएगा, 5×10 और 9×18 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से कोना कोनी गुना करेंगे तो आपका आएगा 9C बराबर 5F-32×5, 32×5 कीजिए, 5×10 और 5×3=15, 116, यानी आपका हो जाएगा 9C बराबर 5F-32×5=160, सॉरी यही था, 5×10 5×3=15, 116 सही है, 160, ठीक है। अब देखिए यहाँ क्या कर रहा था कि यहाँ पर कर रहा था कि दोनों सेम है, यानी किस तापमान पर दोनों सेम हो जाएगा, तो हम लिख सकते हैं 9C है, ये 5F है, F की जगह आप C लिख सकते हैं क्योंकि दोनों बराबर कर रहा है, यानी C और F दोनों बराबर होना चाहिए, तो यहाँ से आपका जगह 160, इसको इधर लेंगे तो 5×4=9, यानी आपका 4C = -160 आएगा, यहाँ से इसको काटेंगे तो आपका सी आएगा -40 आ जाएगा, तो आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, -40, ठीक है, 4C, यहाँ से आपका सी आ गया -40, तो आपका ऑप्शन नंबर सी हो गया। प्रूफ भी हो गया आपका कि कैसे -40°C पर सेल्सियस और फारेनहाइट दोनों का तापमान सेम होता है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आपका है कि लेंस की क्षमता मापी जाती है तो डायऑप्टर से मापी जाती है, लेंस की क्षमता कैसे निकालते हैं? यह आपका होता है 1/F के बराबर, यानी फोकस दूरी के व्युत्क्रम को क्या कहते हैं, लेंस की क्षमता कहते हैं। इसका एक यूनिट कह सकते हैं क्या, 1/मीटर भी कह सकते हैं, यानी हम कह सकते हैं पर मीटर कहिए या डायऑप्टर कहिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आपका है कि चिकित्सा स्थितियाँ के निदान करने के लिए MRI में किसका प्रयोग नहीं होता है?
एमआरआई टेस्ट जो होता है उसमें किसका प्रयोग नहीं करते हैं, तो ध्यान रखिएगा इसमें हम एक्सरे का प्रयोग नहीं करते हैं, ऑप्शन आपका सी होगा। आगे क्वेश्चन आपका नेक्स्ट है कि जब ध्वनि तरंग एक माध्यम से दूसरे माध्यम जाती है तो कौन सी राशि अपरिवर्तित रहती है यानी नहीं बदलती है, तो ये आपका आयाम है, आवृत्ति होगा, फ्रीक्वेंसी, ठीक है, क्या होगा, फ्रीक्वेंसी होगा। ये क्वेश्चन आप इसे पहले भी आ चुका है, यानी बीपीएससी ने इसे दो बार पूछा है, यानी रिपीट किया है ये क्वेश्चन, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका है कि प्रकाश वर्ष किसका मात्रक, ये भी क्वेश्चन रिपीट किया है, दूरी क्या है, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि निम्न से कौन सा कण आवेश रहित है, यानी किस पर आवेश नहीं है, तो ये आपका क्या होगा, न्यूट्रॉन हो जाएगा, न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज नहीं होता है। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ओम मीटर किसका मात्रक होता है, तो ये आपका होता है प्रतिरोधकता, रेजिस्टिविटी, कैसे आता है चलिए दिखाते हैं। आर बराबर आपका होता है रो इंटू एल बाय ए होता है। आर क्या है, तो आर का आपका होता है ओम होता है, आर प्रतिरोध है, ठीक है, रो यही आपका रेजिस्टिविटी है, एल क्या है लंबाई मीटर होता है, ए क्या है लंबाई स्क्वायर यानी मीटर स्क्वायर होगा, तो मीटर को एक मीटर कट जाएगा, कोना कोने यहाँ से गुना करेंगे तो आपका आ जाएगा रो बराबर ओम मीटर आ जाएगा, यानी रो का यूनिट क्या आ गया, ये आपका आ गया ओम मीटर, यानी प्रतिरोधकता का यूनिट होता है आपका ओम मीटर, इसे आप निकाल सकते हैं, इसे रटने की जरूरत नहीं है। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, यही आपका ये लास्ट क्वेश्चन था, यानी हम लोग देखे थे आज 64वें बीपीएससी से लेकर आपका 29वें बीपीएससी में जितने भी आपका फिजिक्स से क्वेश्चन पूछे गए हैं उन सभी प्रश्नों को हमने हल किए हैं, तो इन सभी प्रश्नों को आप एक बार जरूर हल कीजिए और एग्जाम से पहले इसे जरूर रिवाइज कीजिए, क्योंकि बीपीएससी एग्जाम में आपका क्वेश्चन रिपीट करते हैं, ठीक है, और इसको बनाने से ये भी आपको एक कॉन्फिडेंस आएगा कि इसी टाइप के क्वेश्चन बीपीएससी पूछते हैं, ठीक है, इससे आपको पढ़ने का सोर्स का भी पता चलेगा, इसीलिए क्वेश्चन बैंक को हल करना चाहिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, आज के लिए इतना ही, थैंक यू, धन्यवाद। यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए, थैंक यू, धन्यवाद।